लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद यूपी भाजपा में उथल पुथल मची हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हार को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चुनाव के जो परिणाम सामने आए उसको लेकर कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। इन सब के बीच सभा मुखिया अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दे डाला है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि इस पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये ट्वीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। दरअसल यूपी भाजपा में मचे घमासान पर अखिलेश यादव ने इससे पहले भी ट्वीट करते हुए कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था सीएम बनने का, वह आज भी 100 विधायक ले आए, अगर हिम्मत है तो ले आए विधायक। एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 विधायक हैं, आज भी वे विधायक ले आए समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका बहुत सपना है कि सीएम बने, उन्हें स्टूल पर बैठाया गया, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उनके साथ जाने क्या क्या हुआ, फिर भी वे भाजपा के साथ बने हुए हैं। अगर उनका सपना है सीएम बनने का तो तोड़े भाजपा को, बाहर आए वहां से। इसके साथ ही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच जब केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली से लखनऊ वापस लौटे, तब भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो वहीं अब सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर मानसून ऑफर दे डाला है, जिसने यूपी का सियासी माहौल और गर्म कर दिया है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।